एटेक फिल्म मैंने देख ली है, लक्ष्यराज अनंत का डायरेक्शन है और उन्होंने लिखा भी है, आदित्य सर की एडिटिंग है और सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। और इस फिल्म के लिए तीन तीन सिनेमेटोग्राफर है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये फिल्म सिर्फ एक्शन के लिए जानी नहीं जाएगी, ये फिल्म इसके सिनेमेटोग्राफी के लिए जानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से एक्शन सीन शूट किए गए हैं वो काबिले तारीफ है। एक एक खतरनाक खतरनाक कैमरा एंगल्स यूज किए गए, जैसे हम अगर पसंद करते हैं जॉन विक फिल्में या बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में, एक्शन फिल्में, तो आप ये भी पसंद करेंगे। एक्शन लवर्स के लिए, डाई हार्ड एक्शन लवर्स के लिए परफेक्ट मसाला ट्रीट है और सबको देखनी चाहिए। एक्शन के हिसाब से फिल्म भी फर्स्ट हाफ में इमोशंस और एक्शन सही तरह से नापतोल तरीके से लिए गए हैं। फिल्म फर्स्ट हाफ में ऐसा एंड होती है, इसलिए तो सेकेंड हाफ में बहुत स्पार्क लेकर आएगी, बहुत हाई जाएगी, तो वो बहुत हाई जाती नहीं है, एक सेम जैसे फर्स्ट हाफ में वैसे ही बनी रहती है सेकेंड हाफ में भी। इसलिए फिल्म का जो एक्साइटमेंट जो हम सोचे थे और भी कुछ दबाव होगा वो थोड़ा सा कम होता है और सेकेंड हाफ में इमोशंस थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अच्छी बात है कि फिल्म को सिर्फ 2 घंटे रखा गया, 2 घंटे 3 मिनट की फिल्म है, ये परफेक्ट एक्शन जीने के लिए है। इमोशन सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मिसिंग है, अदरवाइज ये और अच्छी लगती। परफॉर्मेंस वाइज जॉन इब्राहिम कमाल के है, परफॉर्मेंस में जॉन इब्राहिम को मैं 4 में से 4 स्टार आराम से दे दूंगा। डायरेक्टर लक्ष्यराज अनंत का डायरेक्शन मैं आई उनकी पहली फिल्म मैं देख रहा हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और मुझे उनका डायरेक्शन उनकी राइटिंग अच्छी लगी है। और इस फिल्म के लिए स्टोरी को क्रेडिट दिया गया है, जॉन इब्राहिम को स्टोरी का क्रेडिट दिया गया है, यानी कि सुपर कॉप का थीम है या आइडिया है वो जॉन के दिमाग की उपज है, उन्होंने ये वो आइडिया लाया और ये फिल्म बहुत पसंद आने वाली लोगों को, ये बात पक्की है, लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये फिल्म अटैक। और यहाँ पे एक्शन जनरल वाले लवर्स को बहुत पसंद है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में, ये फिल्म को आप बड़े थिएटर्स में इंजॉय करें जहाँ पे ऑडियो अच्छा है, क्योंकि ये ऑडियो बहुत स्ट्रांग है इस फिल्म का और वो आपको मज़ा आएगा, मतलब आपके कान धन्ना जाने चाहिए, वैसा ऑडियो चाहिए तभी मज़ा आएगा। आई विल रिकमेंड टू वॉच इन ए थिएटर, थोड़ा सा पहले ज़्यादा देखे देखे लेकिन आप इन्जॉय करोगे। ये फिल्म देख के मुझे रॉकी हैंडसम और फोर्स की याद आ गई, जो इनकी पहली की फिल्म 2011-2016 की, एंड ही इज बैंग ऑन द पॉइंट। पब्लिक को फिल्म पसंद आई, कितनी चलेगी ये नहीं कह सकता, लेकिन क्या पैसा वसूल है और मेरे से कोई पूछ रहा है कि क्या सूर्या ये फिल्म देखे, है ना? अगर ये आपका क्वेश्चन है तो मैं कहूँगा हाँ, ये फिल्म जाकर आप 1 टाइम आराम से देख सकते हो और कुछ लोग को मल्टीपल बार भी देख सकते हैं, क्योंकि एक्शन सीन बहुत ही कमाल के हैं। आई थिंक लाइक प्रकाश राज को देखकर बॉलीवुड में बहुत अच्छा लगा, उनका भी एक अच्छा खासा रोल है। किरण कुमार का वक्त के बाद नजर आया, उनका भी अच्छा खासा रोल है। तो इससे बैंग ऑन फिल्म। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस का छोटा सा रोल है, बट शी रियली नेल्ड, शी लुक्स ट्रूली ब्यूटीफुल। इसके अलावा रघुप्रीत सिंह का भी अच्छा रोल है, वो ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता, यू विल लाइक इट। तो मैं बिना स्टोरी रिवील करे इस फिल्म को पहले हाफ को मैं 4 स्टार दिया, सेकेंड हाफ को देखते हुए पूरी फिल्म को 3.5 स्टार दूंगा। एंड आई विल टेल ईच एंड एवरीवन टू गो फॉर दिस फिल्म। दो चीज़ों के लिए देख सकते हैं, एक तो इसका हैवी ड्यूटी एक्शन और दूसरा है इसका सुपर कॉप थीम और हैवी ड्यूटी एक्शन, दो चीज़ आपको ये फिल्म में भर भर के मिलेगी और जो आपको पसंद भी आने वाली है।